तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। दोस्तों, इस समय हरियाणा में एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि है पराली को जलाने को लेकर के। हालांकि पिछले साल से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो इस बार पराली जलाने की घटनाएं काफी कम हुई हैं, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर AQI लेवल, आप रोज देखते हैं, खबरें आती हैं कि AQI लेवल बहुत खराब श्रेणी में जा रहा है। उसके पीछे का एक कारण पराली जलाना भी है। सिर्फ पराली जलाना ही नहीं, लेकिन पराली एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, और इसलिए इस पर रोकथाम के लिए अब हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और भी तरह तरह के इनोवेशंस किए जा रहे हैं। जैसे पराली खरीदने से लेकर के पराली के प्रबंधन तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं कि सरकार किसानों को दे रही है। इसके अलावा जो किसान पराली नहीं जला रहे हैं उनको प्रोत्साहन राशि के तौर पर भी हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ एक राशि है जो कि दी जा रही है, लेकिन अब कुछ और इससे ज्यादा करने वाली है हरियाणा सरकार। तो ये क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ। चूंकि आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं अलग अलग जिलों से, जहां पर आप देख रहे हैं कि पराली को जलाया जा रहा है। तो आज इसके पीछे का जो कारण है वो आपको मैं बताऊंगा, और दूसरा ये कि पराली को जलाने से रोकने के लिए और सरकार क्या करने वाली, ये मैं आपको बताने वाला हूं। कारण दोस्तों सबसे बड़ा ये है पराली जलाने का, क्योंकि पराली के प्रबंधन के लिए आप जो इक्विपमेंट्स चाहिए या फिर जैसे पराली की गांठ बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए, ये बहुत सारी ऐसी एक बहुत बेसिक चीज है जो अभी सारे किसानों तक उस तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाए हैं, या थोड़ी सी जागरूकता की भी कमी है आप देखते हैं। हालांकि सरकार युद्ध स्तर पर इसको लेकर के प्रयास कर रही है, लेकिन आप चूंकि आप देखते हैं कि हर चीज में जब भी कोई स्कीम या कोई योजना शुरू होती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो परिवर्तित होती रहती हैं, और उसको बेहतर कैसे किया जाए, इस दिशा में भी हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। और इसी में आपको बता दें, एक कमेटी अभी फिलहाल हरियाणा सरकार बनाने वाली है जो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और जो भी इस कमेटी की सिफारिशें होंगी उसके आधार पर धान के अगले सीजन में इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये पराली की MSP से रिलेटेड, यानी कि पराली को लेकर के कितना प्राइस सेक हो सकता है जो किसानों को दिया जाए ताकि किसान पराली को जलाना बिल्कुल बंद कर दे। इसलिए एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण स्टेप अभी हरियाणा सरकार ले रही है। एक कमेटी बना दी है हरियाणा सरकार ने जो कि 1 से 1.5 महीने या 2 महीने आप मान के चलिए अपनी रिपोर्ट सरकार को दे देगी, और अगला सीजन जब तक आएगा धान का, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये इनिशिएटिव भी ले सकती है कि पराली को लेकर के कुछ रकम, कुछ राशि ऐसी है जो कि किसानों को दी जाए। क्योंकि आप देखिए 60 टन से ज्यादा पराली जो है, आप ये कह सकते हैं 60 लाख टन से ज्यादा जो पराली है वो निकलती है हर सीजन में, और उसमें से 15 लाख टन ही ऐसा है जिसको रिसाइकिल अभी किया जा रहा है, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट अभी ऐसा है जो कि वेस्ट जा रहा है। तो इसको लेकर के सरकार प्रयास कर रही है, और इस दिशा में आगे अभी सरकार फिलहाल बढ़ रही है। तो ये कमेटी बनाई गई है, कमेटी अपनी जो रिपोर्ट है वो देने वाली है, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे जो निर्णय है वो किया जाएगा कि आखिर ये जो पराली है उसका ट्रीटमेंट या उसका जो प्रबंधन है वो कैसे सरकार को करना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।